ठीक है चलो। अब इसमें देखो मध्यानुपाती बताओ, अब की बार बीच वाला नहीं है, इसका मतलब पहला है और लास्ट का है। और लास्ट का है, हाँ तो सोलह है। पहला और लास्ट। अब बीच वाला पता है, पहले वाले का जो अनुपात बीच वाले के साथ होता है, सही है, वही अनुपात बीच वाले का बीच वाले से होता है। तीसरे वाले से होता है। बस अब बीच वाले को ना माने एक्स स्क्वायर और 24 का 16 16 गुणा कर दिया, सही है, गुणा कर देते हैं आप। आप ऐसे एक्स स्क्वायर बराबर निकालोगे तो ये लिख रहे हैं, तो आप एक्स बराबर निकालो, रूट लगा देते हैं 24 गुणा 16। ठीक है, चाहो देखो वर्गमूल निकालना है सर, आसानी से कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 4 गुणा 6 और ये 16 है। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना हो गया, रूट इसका हो गया 4, यहाँ का बचा 6,